नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़। देश का सच दिखाते हम कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। परिधि सेवा संस्थान द्वारा समाज की सेवा करना ही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य और धर्म है। अध्यक्ष बिंदु गोयल ने बताया कि उन्होंने समाज की सेवा हर तरह से की है। जो भी ज़रूरतमंद उनके पास आया उसकी ज़रूरत उन्होंने पूरी की, और समाज के अंदर चल रही इस वक्त की जो महामारी है, कोरोना महामारी में उन्होंने मास्क वितरण व हर तरह से संभव मदद उन्होंने की। आइए हम बात करते हैं बिंदु गोयल जी से, जो कि इस संस्था के संस्थापक व अध्यक्ष भी हैं। देखिए उन्होंने क्या बताया हमारे चैनल के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं बिंदु गोयल फ्रॉम परिधि सेवा संस्थान। आपकी जो ये संस्थान है कितनी पुरानी है और ये क्या क्या कार्य करती है? मेरी संस्था वैसे तो 5 से 7 साल हो गए, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन हुए इसको साल भर हुआ है। कौन कौन से कार्य करती है आपकी संस्था? हमारी संस्था वृद्धों पे मेनली वर्क करती है। वृद्धाश्रम पे जितने भी हेल्थ कैंप है, आई कैंप है, सब मैं लगाती हूँ, और महिलाओं पे भी वर्क करती है। जैसे अभी कोरोना का काल देखा, सभी ने देखा, पूरे विश्व में जो चल रहा था ये महामारी, तो उसमें आपने किन किन लोगों की मदद करी और किस तरह से मदद करी? इसमें हम लोगों ने ये तो नहीं पता कि किसकी मदद करी, क्योंकि मेरे लिए सब लोग अनजान थे, लेकिन हाँ 100 से 150 लोगों को मैंने सिलेंडर्स दिलवाए, उनकी रिफिलिंग की जानकारी दी, पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीफ्लोमीटर और दवाइयाँ कहाँ पर मिलेंगी ये सब जानकारियाँ दी। उसके बाद में हम लोगों ने प्लाज्मा की जानकारी दी और प्लाज्मा डोनर भी भेजे। उसके बाद में हमने 35 से 40 लोगों को लगभग ब्लड डोनेट करवाया, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने और मेरी पूरी फैमिली में मिला के 5 लोगों ने ब्लड डोनेट खुद भी किया है। जैसा कि मालूम चला था कि आप भी इसमें बीमार हो गए थे खूब काम करते करते, तो फिर कैसे कार्य करा आपने उसके आगे? एक्चुअल में हमारे फैमिली में और मेरे घर में मिला के 8 लोग पॉजिटिव थे, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस था। लेकिन बेटा कोविड पॉजिटिव होने के कारण बहुत मेंटली डिस्टर्ब भी हो गई थी, और किसी ने मेरा नंबर सोशल मीडिया पर ललन टॉप पर वायरल कर दिया, जिसकी वजह से 1500 के करीब कॉल्स आने लगे। इतने कॉल्स अटेंड करते करते गला खराब हो गया, और फिर भी मैं व्हाट्सएप और ये मैसेंजर के माध्यम से लोगों की मदद करती रही। जैसे कि सभी जानते हैं कि आप एक सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई हैं और समाज के प्रति आपके पूरी संवेदना है, और बीमार होने के बावजूद घर में इतनी पॉजिटिव होने के बाद आपके अंदर एनर्जी कैसे आई और कैसे लोगों को आपने प्रेरित करा इन सब चीज़ों के लिए? क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हमने जितने भी लोगों को प्रॉब्लम थी उनको फ़ोन के ज़रिए मोटिवेट भी करते थे, और जब कुछ करने का जज्बा और जुनून होता है तो अपने आप हिम्मत आ जाती है, और वही किया मैंने, और उसी के द्वारा ही मैं लोगों की हेल्प कर पाई। जो आपकी संस्था, ये संस्था की आप अध्यक्ष हैं, आप ही ने ये संस्था अपनी टीम पूरी बनाई है, तो ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? ये शुरू से ही मन में था कि मुझे समाज सेवा में ही कार्य करना है और आगे बढ़ना है। पहले बच्चे छोटे थे तो मैं साइलेंटली वर्क करती थी, और अब मैं सामने आके वर्क करती हूँ कि हाँ बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि भी अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे कानपुर वासियों को इस कोरोना महामारी के चलते हुए? कि हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आए हमको डरना नहीं है, और डट के मुकाबला करना है, और पॉजिटिव सोच रखनी है कि हम आज बीमार हुए हैं तो हम ठीक भी हो जाएंगे। और वैक्सीनेशन के लिए मैं सबसे अपील करना चाहूँगी कि भी वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, और जितना हो सके हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।